नमस्कार, मैं रमेश जायसवाल। आज हम इस वीडियो में फंक्शन डोमेन का कंसेप्ट लेकर हम लोग रेंज और डोमेन का हम लोग आप लोग सभी को विजुलाइज तरीके से कोई भी फंक्शन के लिए हम लोग यहाँ जनरेट कर सकते हैं और कोई भी डोमेन आप चूज करके उसे आप लोग समझा सकते हैं स्टूडेंट लोग को। तो देखिए, मैंने एक फंक्शन लिया हूँ x प्लस 3 का। इसमें डोमेन मैंने चूज किया है 0 to मीन्स -4 to 4 तक हमने चूज किया है। यहाँ फंक्शन है, देखिए डोमेन का है, ये रेंज का है। देखिए 0 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, 1 रखेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर आप 20 भी रख सकते हैं, आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ। देखिए 20 रख लिएगा तो हिसाब से हमारा 20 भी जनरेट होगा। और जो हमारा ये फंक्शन है, देखिए ये जो डोमेन का फीचर है, देखिए ये रेंज का है, 0 to -1 to 13 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर -1 आ रहा है, 23 यहाँ पर आ रहा है। देखिए और आप लोग को ये -4 to कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, क्योंकि -4 से हम लोग 20 तक हम लोग डोमेन रेंज ले चुके हैं। तो आप लोग ये फिगर वाइज हम रेंज कैसे कहते हैं, डोमेन किसे कहते हैं और फंक्शन का ये जो ग्राफ क्या बनता है, देखिए आप लोग को मैं बता रहा हूँ। देखिए मैंने अभी एक्स क्यूब ले लूँ तो एक्स क्यूब भी हमारा एक्स स्क्वायर ले लूँ पहले, एक्स स्क्वायर का देखिएगा फंक्शन, देखिएगा इधर आप लोग को मैं डोमेन रेंज दिखा रहा हूँ एक्स स्क्वायर का। ये 20 है इसीलिए हमारा थोड़ा सा लॉन्ग दिख रहा है, इसे मैंने 2 बना दिया हूँ। तो देखिएगा हमारा डोमेन और रेंज कितना क्लियर से दिख रहा है, आप लोग को मैं दिखा दूं। देखिएगा -4 to 4 बन रहा है और 0 to 16 भी हमारा जनरेट हो रहा है। तो ये जो डोमेन रेंज है 0 to 16 मिला है और ये जो डोमेन है -4 to 4 है। ठीक है, आप लोग यहाँ की एक्स क्यूब भी ले सकते हैं, एक्स का पावर 4 भी ले सकते हैं। देखिए तो एक्स का पावर जो 4 लेंगे तो थोड़ा सा लॉन्ग दिखेगा, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा 4th पावर करेंगे तो थोड़ा 256 दिखेगा। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा अब नंबर ले रहे हैं, क्योंकि हमारा 4th पावर है तो सब क्या हो जाएगा, थोड़ा अब स्क्वायर में पावर 4th में थोड़ा लॉन्ग नंबर हो जाएगा। देखिए 4x हो जाएगा, 3 6 ले लेते हैं। देखिएगा इस हिसाब से हमारा जनरेट हो जाएगा। और ये चाहे तो आप लोग रिप्लेस कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। देखिए अब -4 4 नहीं रखना है तो जनरेट कर लीजिएगा। देखिए 3 2 9 हो जाएगा, -3 to 3 हो जाता है। कोई भी फंक्शन के लिए ऐसा है। हम इसी सेकेंड पार्ट में से जियोजेब्रा में कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं आप लोग को बताने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।